हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। अभी आपके सामने है रॉयल फील्ड की मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट पॉपुलर व्हीकल, जो कि है रॉयल फील्ड स्टैंडर्ड। अभी इसके पहले जो इसमें दो मॉडल्स आया करते थे, एक स्टैंडर्ड और एक बुलेट 350। अभी टाइम पे राइट साइड में जो खड़ा है ये इसका मिलिट्री ब्लैक वेरियंट है, और लेफ्ट साइड में जो खड़ा है इसका स्टैंडर्ड ब्लैक वेरियंट है। अभी के टाइम पे इसके चेंजेस की बात करते हैं तो भाई अभी के टाइम इसका प्लेटफॉर्म है टोटल चेंज हो चुका है प्लेटफॉर्म, और इंजन जो है वो भी इसका टोटल चेंज हो चुका है। अगर हेडलैम्प की बात करते हैं वो भी आपको जैसे क्लासिक में प्रोवाइड की जाती है वैसे ही सेम आपको हेडलैम्प भी अब यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ में अगर साइड लुक की बात करते हैं, एक बार आप इसकी साइड लुक भी चेक कर सकते हैं। इधर से आप मिलिट्री ब्लैक का एक बार साइड लुक चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको वही सेम इंजन प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि अभी के टाइम पे क्लासिक में आपको देखने को मिलता था, वही सेम इंजन अब आपको 350 में भी प्रोवाइड किया जाएगा, बुलेट 350 में भी प्रोवाइड किया जाएगा। उधर से मैं आपको एक बार इसके स्टैंडर्ड ब्लैक की भी साइड से लुक चेक करा देता हूँ। बाकी इसके बाद मैं फीचर्स की भी बात करने वाला हूँ, पहले आपको मैं एक बार चारों तरफ से लुक चेक कराता हूँ, उसके बाद फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड ब्लैक वेरियंट की, फ्रंट में आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प प्रोवाइड किया जा रहा है, और साइड में आपको इंडिकेटर्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी हेलोजन बल्ब में ही। वहाँ ऊपर साइड में आपको पायलट लैम्प भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर पायलट लैम्प की बात करते हैं तो ये भी आपको नॉर्मल बल्ब में ही प्रोवाइड किया जा रहा है पायलट लैम्प। उसके साथ में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में आपको प्रोवाइड किया जाते हैं। अलॉय व्हील का ऑप्शन अभी भी आपको यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पोक व्हील जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये काफी अच्छी बात है, अब आपको स्टैंडर्ड में ट्विन डिस्क भी वेरिएंट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि जो इसका ये यहाँ पे आपको जो मिलिट्री ब्लैक वेरिएंट है यहाँ पे आपको सिंगल डिस्क भी प्रोवाइड किया जाती है फ्रंट में। लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड ब्लैक वाला वेरिएंट रहेगा इसके अंदर आपको दो डिस्क भी प्रोवाइड किया जाएगी, फ्रंट में भी और रियर में, यानी इसके यहाँ पे आपको ट्विन डिस्क भी ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इसके फ्रंट की बात करते हैं यहाँ पे आपको मेटल में प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आपको क्लासिक में प्रोवाइड किया जाता है वैसे मडगार्ड फ्रंट में आपको मेटल में प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर टायर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 100x19 इंच के आपको फ्रंट में स्पोक व्हील्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर इसके डिस्क ब्रेक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बाइब्री की डिस्क ब्रेक प्रोवाइड की जा रही है, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड किया जा रहा है। रिफ्लेक्टर भी आपको साइड में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। क्रोम में आपको इसके यहाँ पे साइड मिरर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बाकी अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं यहाँ पे अब आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी प्रोवाइड किया जाता है। नीचे आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है फ्यूल गेज वो आपको डिजिटल में प्रोवाइड किया जाता है। ट्रिप एफ यानी कि फ्यूल अगर आपको रिजर्व रहेगा, ट्रिप एफ, ट्रिप ए और ट्रिप बी यहाँ पे आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा। ओडोमीटर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्रिप वन, ट्रिप टू, ट्रिप एफ जो रिजर्व में ऑन होता है, और टाइमिंग, तीन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिजिटली प्रोवाइड की जा रही है। ऊपर साइड में आपको एनालॉग में इसका स्पीडोमीटर प्रोवाइड किया जा रहा है। नीचे साइड में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है, न्यूट्रल के लिए, बैटरी के लिए, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नीचे साइड में प्रोवाइड की जाती है। राइट साइड में आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग प्रोवाइड की जा रही है। बाकी अगर की बात करते हैं तो एक बार की भी चेक कर सकते हैं, जैसे आपको क्लासिक में की प्रोवाइड की जाती है वैसे सेम ही की आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। अब बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे आई बटन भी प्रोवाइड की जा रही है, जैसे आपको क्लासिक में प्रोवाइड की जाती थी। पार्ट सेटिंग तो काफी ज्यादा है क्लासिक से भी, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं पहले इसका जो थंप है वो भी आपको सुनाने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे कंपनी जो थंप है वो बरकरार रखा है, लेकिन पुराने वाले इंजन को भी काफी ज्यादा याद करने वाले हैं लोग, क्योंकि जो पुराना वाला इंजन था उसमें काफी ज्यादा रॉ थंप था, तो वो तो नहीं, लेकिन हाँ काफी हद तक जो इसका जो इसकी लुक था जिसके लिए जानी जाती थी थंप के लिए वो अभी भी बरकरार है। बाकी अगर इसके टैंक की बात करते हैं एक बार इसका टैंक भी आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको 3D टाइप में इसका लोगो प्रोवाइड किया जा रहा है, पहले इसे प्रोवाइड किया जाता था उसकी भी एक बार स्क्रीन में वीडियो डाल दूंगा, उसको लोगो चेक कर लीजिएगा, और जो नया वाला लोगो आया है इसमें इसको भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंगल सिलेंडर इंजन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि जिसकी मैक्स पावर 20.21 PS की है, और अगर टॉर्क की बात करते हैं 27 Nm का टॉर्क ये जनरेट कर देता है। फाइव स्पीड गियर के साथ साथ में आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये वही सेम इंजन है जो कि अभी तक आपको क्लासिक में प्रोवाइड किया जाता था, वही सेम इंजन अब आपको स्टैंडर्ड भी प्रोवाइड किया जा रहा है। पहले से इसका जो रिफाइनमेंट लेवल है काफी अच्छा हो चुका है। अगर इसकी मैं अभी आपको सॉन्ग भी सुनाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा हाँ इंजन पहले जो है काफी ज्यादा रिफाइंड हो चुका है। अगर इसके चेन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ओपन चेन का ही ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आपको क्लासिक में दिया जाता था। तो काफी ज्यादा पार्ट शेयरिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे क्लासिक में प्लेटफॉर्म जो है वो क्लासिक वाला ही है, तो काफी हद तक आपको चीजें याद आएंगी हाँ भाई जो क्लासिक में हमने देखा था वही काफी हद तक यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। बाकी अगर साइड पैनल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बुलेट 350 का लोगो मिल जाता है यहाँ पे, और कुछ सामान वगैरह अभी आप यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी अगर पीछे साइड करते हैं आज के टाइम पे जो मैंडेटरी हो चुका है साड़ी गार्ड वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। साड़ी गार्ड जो कि आज के टाइम मिलिट्री हो चुका है, यहाँ पे आपको फुटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है मिडिल के लिए, और रियर के लिए भी आपको यहाँ पे फुटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। बाकी अगर रियर साइड में चलते हैं, बाकी एक चीज जो आपको और स्टैंडर्ड से मिलती हुई मिलेगी इसकी जो सीट है
अगर आप क्लासिक परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी भी भाई वही स्टैंडर्ड वाला पुराना लुक जो कि सिंगल सीट प्रोवाइड किया जाती है जैसे स्टैंडर्ड में, वैसे ही आपको सीट प्रोवाइड किया है। लेकिन अगर कुशनिंग की बात करते हैं तो वो काफी अच्छी हो चुकी है, यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो स्टैंडर्ड थोड़ी सी टाइट थी वहाँ पे कुशनिंग, लेकिन यहाँ पे जो है वो पहले कंपेरिजन में जो इसकी कुशनिंग है सीट कंफर्ट वो काफी अच्छा हो चुका है। बाकी अगर जो सीटरेस देख रहे हैं ये आपको इस सीरीज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, ये आपको लगा हुआ नहीं मिलेगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो वो जब आप परचेज करेंगे उसी टाइम पे आप इस सीरीज में आप इसे ऐड करा सकते हैं। बाकी अगर इधर की बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया चेन वगैरह सब चीज़ बारे में, रियर में चलते हैं और रियर में भी आपको इसका मैं लुक चेक कराता हूँ एक बार। रियर में आप देख पा रहे होंगे जो इसका पीछे वाला मडगार्ड है वो भी आपको मेटल में ही प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी यहाँ पे रॉयल फील्ड की बैजिंग मिल जाती है, सेम जैसे आपको टेल लैम्प प्रोवाइड की जाती थी क्लासिक में वैसे ही सेम आपको यहाँ पे अब टेल लैम्प भी प्रोवाइड की जा रही है। बाकी अगर इसके टर्निंग इंडिकेटर्स की बात करते हैं वो आपको यहाँ पे क्रोम में प्रोवाइड किए जाते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है जो कि इसके जो क्लासिक लुक है उसको कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है, अभी वो कंटिन्यू है। बाकी अगर टायर साइज की बात करते हैं वो टायर साइज भी आपको मैं चेक कराने वाला हूँ। ये साइड में आपको यहाँ पे पीछे साइड में ऑप्शन मिल जाता है नंबर प्लेट इंस्टॉल कराने के लिए, जो कि आप नंबर प्लेट आने के बाद इंस्टॉल भी करा सकते हैं। बाकी ये जैसे मैंने आपको बताया था ये सीरीज का पार्ट है, इसे आप सीरीज अगर परचेज करते हैं तो उस केस में आप परचेज कर सकते हैं। अगर इसके राइट साइड की बात करें जैसे मैंने आपको बताया ये इसका ट्विन डिस्क वाला वेरिएंट है, ये स्टैंडर्ड ब्लैक जो इसका जिसका नाम है स्टैंडर्ड ब्लैक है, मिलिट्री बैग जो है उधर साइड में खड़ा हुआ है। अगर पीछे साइड में इसके टायर साइज की बात करते हैं वो मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ अभी, तो रियर में आपको 120x80 18 इंच का रियर में आपको स्पोक व्हील प्रोवाइड किया जाता है। बाकी रियर में भी आपको वाइब्री की ही ब्रेक कैलिपर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी थंप है वो भी आपको मैं सुनाने वाला हूँ। यहाँ पे राइट साइड में बुलेट की भी बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे इंजन में रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है। बाकी एक चीज़ जो आप यहाँ पे और देख रहे होंगे जो किक है वो यहाँ पे आपको अब नहीं मिलती है। जैसे पहले के टाइम क्या होता था जो किक रहा करती थी बुलेट में वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर रहता था कि हर कोई इसे स्टार्ट भी नहीं कर पाता था, लेकिन हाँ अब जो है आसानी से भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अब मैं आपको इसका इंजन साउंड भी चेक कराने वाला हूँ, अब मैं आपको इसका थंब भी चेक करा देता हूँ। ये इसका एग्जॉस्ट नोट था, एक बार मैं आपको इसका जो इंजन साउंड वो भी चेक कराया था, इंजन साउंड भी चेक कर लीजिए आप। एक बार हॉर्न भी आपको चेक कराता हूँ उसी टाइम पे मैं। यहाँ पे आप इसकी एक बार टैंक डिजाइन भी चेक कर लीजिए, पहले जैसे आपको टैंक डिजाइन प्रोवाइड की जाती थी यानी कि जो इसका मार्क जो आप देख रहे हैं ये आपको पहले की तरह ही कंटिन्यू किया जा रहा है। और जो सबसे अच्छी बात है ये जो है E20 पेट्रोल को भी सपोर्ट करेगी इन फ्यूचर, जैसे ही पेट्रोल पंप पे E20 पेट्रोल आने लगेंगे उस टाइम पे ये सपोर्ट भी करेगी। उसी के साथ में एक बार मैं आपको इस बैठने के बाद भी इसका राइडिंग कम्फर्ट भी चेक कराने वाला हूँ। और एक बार अगर इंस्ट्रूमेंट कस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दिया था। राइट साइड हैंडल बार पे आपको यहाँ पे किल स्विच मिल जाती है, जिस साइड में आपको हजार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे स्विच दी गई है, ये काफ़ी अच्छी बात है भाई, जिसे काफ़ी टाइम्स लोग मिस भी करते थे। जो हजार लैंप है वो आपको स्टैंडर्ड में नहीं प्रोवाइड की जाती थी लेकिन क्लासिक में प्रोवाइड की जाती थी, अब आपको स्टैंडर्ड में भी हजार स्विच प्रोवाइड की जा रही है। और अगर इसके लेफ्ट साइड इसके हैंडल बार की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको आई बटन प्रोवाइड की जा रही है जिसके थ्रू आप इसके MID को कंट्रोल कर पाएंगे। नीचे साइड में आपको इसके पास करने के लिए लो बीम हाई बीम और पास के लिए यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बटन, और यहाँ पे आपको टर्निंग इंडिकेटर के ऑन ऑफ करने के लिए बटन्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं। नीचे आपको हॉर्न के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, हॉर्न की भी एक बार आप साउंड चेक कर लीजिए, ये इसके हॉर्न की साउंड है। अब मैं आपको इसका राइडिंग पोस्चर भी चेक करा देता हूँ, जब आप इसे राइड करेंगे उस टाइप में आपको पोस्चर कैसा रहेगा। बाकी अगर सीटिंग कम्फर्ट की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा है, पहले कंपेरिजन में काफ़ी अच्छी आपको सॉफ्ट सीट प्रोवाइड की जा रही है, तो जब आप राइड करेंगे उस केस में आपको जो कम्फर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है पहले कंपेरिजन में। बाकी एक बार आप पोस्चर भी चेक कर लीजिए, फुट का भी पोस्चर चेक कर लीजिए आप, पैर साइड में कुछ ऐसा पोस्चर आपको मिलने वाला है, वह राइट साइड से भी चेक करा दीजिए। ये जो पोस्चर है कहीं ना कहीं आपको जो क्लासिक है उससे ही सिमिलर वैसे ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो सेम क्लासिक वाला ही प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी इंजन थंप वगैरह सब आपने चेक ही कर लिया है, हॉर्न भी आपको यहाँ पे काफी अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अभी आप लोगों ने देख लिया इसका जो स्टैंडर्ड ब्लैक वेरिएंट था इसकी आपने डिटेल में वीडियो देखी है, इसकी मिलिट्री ब्लैक के साथ में ये सिंगल डिस्क वाला जो वेरिएंट है इसके साथ में कंपेरिजन वीडियो भी जल्दी आने वाली है, प्लीज़ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या वीडियो पसंद आई है या फिर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।